प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को देश भर में सेवा और समर्पण के दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर जिले के मोहनगढ़ में भाजपा जिलाध्यक्ष ने हितग्राहियों के बीच राशन का वितरण किया। कठिन परिस्थितियों में परेशान हुए लोगों के लिए चिंतित रहकर भाजपा सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर हर जरूरतमंद को लाभान्वित किया है। उन योजनाओं में से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण योजना है, जिसके तहत हितग्राहियों को निशुल्क अनाज वितरण किया जाकर लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये बात भाजपा जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा ने मोहनगढ़ गांव में आयोजित अन्न महोत्सव कार्यक्रम में कही। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू किए गए सेवा और समर्पण अभियान के तहत जारी गतिविधियों के क्रम में गुरुवार को स्थानीय भाजपा मंडल ने विभिन्न जगहों पर अन्न महोत्सव मनाया। विकासखंड के ग्राम मोहनगढ़ की शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर आयोजित अन्न महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भाजपा जिला ग्रामीण अध्यक्ष कौशल शर्मा ने पात्र हितग्राहियों को निशुल्क गेहूं प्रदान किया। इसका उद्देश्य यह है कि हमारे प्रधानमंत्री भारत सरकार के नरेंद्र मोदी 71 साल के हो गए हैं, अभी सितम्बर में तो 7 तारीख से एक अभियान चल रहा है गरीबों के लिए सेवा और समर्पण। क्षेत्र में जाके सेवा करते हैं अन्य अन्य प्रकार से, और ये समर्पण के रूप में गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, अभी ऐसे बाढ़ भी आई तो उसमें भी मदद की। तो ये पूरा का पूरा कार्य पूरे देश में चल रहा है सेवा और समर्पण का। आज आखिरी दिन है इस कार्यक्रम में। हर जगह पर जहाँ पर भी सोसाइटियों के केंद्र हैं वहाँ यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। या मोदी जी की ओर से और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से हर महीने मिल रहा है वैसे तो, लेकिन इस बार इकट्ठा दोनों का दे रहे हैं। इससे आप सभी लोगों को प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसे अच्छे प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं, इनकी लंबी आयु हो और अधिक से अधिक समय तक इस देश का ये नेतृत्व करते रहे। यही आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। यही आज का संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।